हरे कृष्णा, मैं लावण्या जसवानी आपका सात्विक रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरह का सलाद जिसका नाम है खुसखुस सलाद। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, ये शायद खसखस है, लेकिन नहीं, ये है खुसखुस। खुसखुस एक टाइप का ग्रेन होता है और बहुत से देशों में खाया जाता है। ये बनता है सूजी से यानी रवा से, या हम इसको बोल सकते हैं ब्रोकन व्हीट से, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। क्योंकि जब ये सलाद बनाया जाता है तो अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जो कि उस टाइम मिलने वाली सब्जियां और फ्रूट्स उस हिसाब से इसमें मिक्स किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं खुसखुस सैलेड। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि खुसखुस दिखने में कैसा लगता है। ये देखिए, ये है खुसखुस। ये बिल्कुल रवा के जैसे है, लेकिन थोड़ा इसका दाना मोटा है। इस सैलेड में हमको इसे बॉईल करना है। अब इसे कितना और कैसे बॉईल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए पहले हम जलाते हैं गैस, उस पे रखते हैं एक कढ़ाई और उसमें पानी। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। पानी जब उबलने लगेगा उसके बाद ही हमें इसमें खुसखुस डालना है। थोड़ा से कलर के लिए मैं इसमें चुटकी भर हल्दी डाल रही हूं। पानी उबलने दीजिए। अब ये पानी उबल रहा है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और तेल, कोई भी खाने का तेल जो आप घर में यूज करते हो, या ऑलिव ऑयल भी डाला जा सकता है। ये तेल डालना इसलिए जरूरी है जैसे खुसखुस आपस में चिपक ना जाए। अब इसमें डाल देते हैं खुसखुस। ये देखिए कितना अच्छा पीला रंग इसको आ गया है, जो सलाद बनाने के टाइम पर सब सब्जियों के साथ और फलों के साथ बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। जब तक ये खुसखुस बॉईल होता है मैं आपको बता देती हूँ कि सैलेड में हम लोग और क्या क्या इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि खुसखुस का एक बेस रहेगा। इस टाइम पर आप इसकी गैस थोड़ी स्लो पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कटा हुआ धनिया, कटा हुआ कुकुम्बर यानी कि खीरा, कटा हुआ पुदीना, छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई गाजर, और ये है अनार, लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, और थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से चेरी टमेटोज जो हमारे को गार्निशिंग के लिए काम आएंगे। ऑयल तो मैंने इसमें डाल ही दिया है, और बहुत सारा लेमन का जूस, कम से कम 4 लेमन्स का जूस, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और ये एप्पल, ये ऑप्शनल है। अगर आप फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं तो इस सैलेड में आप एप्पल भी डाल सकते हैं। चलिए अब खुसखुस को देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सही पानी था इसमें, और हमें इसका खिला खिला दाना चाहिए। मैं इसको चेक कर लेती हूं कि ये गल गया है क्या। थोड़ी सी कसर है जो 2 मिनट में पूरी हो जाएगी,
तो अब हमारे ये खुसखुस बिल्कुल रेडी है सैलेड बनाने के लिए। मैं गैस बंद कर देती हूँ। क्योंकि खुसखुस सैलेड एक कोल्ड सैलेड है, ये ठंडा सर्व किया जाता है, इसके लिए हमें इस खुसखुस को भी ठंडा करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा खुसखुस ठंडा हो चुका है और इसका दाना भी अलग अलग है। ये देखिए ये कितना खिला खिला है। अब ये रेडी है कि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जा सकें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। खुसखुस अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो बाकी इतनी चीजें डाल रहे हैं उसमें बहुत से मिनरल्स हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं कटावा हरा धनिया। ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अब कुकम्बर यानी कि खीरा, आपको जितना अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा चाहिए आप ज्यादा डालिए, आपको कम चाहिए आप कम डालिए, ये सबका अपना टेस्ट पे निर्भर करता है। ये है पुदीना। अब हम डाल लेते हैं थोड़े से टमाटर। ये ग्रीन और रेड कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये है छोटी कटी हुई गाजर, तीन टाइप के शिमला मिर्च जिसमें ये है लाल शिमला मिर्च, ये है हरा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में आप जानते हैं बहुत ही विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये है येलो शिमला मिर्च। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा अनार, थोड़ा उसको मीठा टेस्ट देने के लिए। मुझे अनार बहुत पसंद है तो मैं इसमें पूरा अनार डाल देती हूँ। और ये है कटा हुआ एप्पल। चेरी टमाटोज मैं इसको मिक्स करने के बाद डालूंगी। अब इसमें हम डाल लेते हैं दो तीन लेमन्स का जूस। ये भी स्वाद अनुसार है, अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है आप थोड़ा ज्यादा डालिए। काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक। याद है ना हमने नमक थोड़ा खुसखुस बॉईल करते हुए भी डाला था, तो ये सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूं ऊपर से। और आइए अब हम इसको हल्के हाथ से मिला लेते हैं। हमें इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि खुसखुस बिल्कुल जो खिला खिला है वो सैलेड में खिला खिला ही रहे। और मिक्स करने के बाद हमें इसे करीब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है क्योंकि ये सैलेड जो है वो ठंडा सर्व होता है। देखिए अब आपको इसमें कितने कलर्स दिख रहे हैं, लाल पीला हरा ऑरेंज और एप्पल वाइट है, कुकुम्बर भी लाइट ग्रीन है, तो ये सब चीजों का मिक्सचर है। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़े से चेरी टमाटोज जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। आप अपने बच्चों को ये सैलेड टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए अब हमारा खुसखुस सैलेड बिल्कुल तैयार है। हम इसे 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद निकालकर इसकी भोग की तैयारी करेंगे। अब 10 मिनट के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब एक तुलसी पत्ता रखकर हम इसका भोग लगा देते हैं।
तो देखा आपने कि ये खुसखुस सैलेड कितना कलरफुल सैलेड है और बन जाता है मिनटों में। ये होम पार्टीज के लिए भी एक बहुत ही हिट आइटम है, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना चाहते हैं। आप चाहें तो आप इसे एक एपेटाइजर के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ देखते रहिए हमारे ये विशेष प्रोग्राम सात्विक रसोई, क्योंकि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। हरे कृष्णा। खुसखुस सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए पानी 1.5 कप, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, तेल 4 छोटे चम्मच, खुसखुस 1.5 कप, कटे हुए धनिया पत्ता 1.5 कप, कटे हुए खीरे 1 कप, पुदीना 1 कप, कटे हुए टमाटर 1/4 कप, कटे हुए गाजर 1/4 कप, लाल हरा और पीला शिमला मिर्च 1/4 कप, अनार 1/2 कप, कटे हुए सेब 1/2 कप, नींबू का रस 2 से 3 नींबू, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, चेरी टमाटर 1/2 कप। खुसखुस सलाद बनाने के लिए एक पैन में पानी, हल्दी पाउडर, नमक और तेल डालकर उबाल ले। उबल जाने पर खुसखुस डालें और मिलाएं। जब वे पूरी तरह पक जाए तब गैस बंद करें और ठंडा होने दें। फिर एक बोल में निकाल ले और कटे हुए धनिया पत्ता, खीरा, पुदीना, टमाटर, गाजर, लाल हरे और पीले शिमला मिर्च, अनार, सेब, नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला ले। ऊपर से चेरी टमाटर से गार्निश करें और 10 मिनट तक फ्रिज में रखकर ठंडा सर्व करें। हमारा खुसखुस सलाद तैयार है।